सुना है घर में कोई नहीं है, अगर दिक्कत मालूम तो मेरी है, जब उस घर की सफाई सालों से नहीं हुई तो वहां नहीं रह पाओगे, तुम यहीं रहो बेटा, वहां रहूंगा तो अच्छा होगा। देखो घर की सफाई करवा दो और इन्हें जो चाहिए वो ठीक है, जाओ बेटा जाओ। सुनो बेटा, खाने के लिए हमारे घर आ जाना। जैसा चलिए। ये भैया की करीबी दोस्त का है, वो 25 साल पहले शहर जाकर वहीं बच गया, तब से ये घर खाली पड़ा है, आप उस कमरे में रह सकते हैं, अगर कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना। जी सर। हाँ, हमारा एक दूर का रिश्तेदार है, वो नाना है, क्या यही रहता है, अगर आपको थोड़ा भी तंग किया तो आकर मुझे बता देना। चलिए चलता हूँ। अच्छा, तुम मेरे साथ इस घर को शेयर करने वाले हो? आई एम राजा रत्नम। उन्होंने मुझे बताया। मैं अच्छी बात से जानता हूँ तुमने मेरे घर में क्या काम होगा। जानते हैं क्या काम करता हूँ? आप ही बताइए क्या काम करते हैं। जीने के लिए काम करना जरूरी है क्या? मैंने तो ऐसे ही पूछा। हाँ, फैमिली नहीं है। फैमिली नहीं तो क्या बेकार हूँ मैं? नालायक बोलकर इज्जत का कचरा कर दिया, पहले जब तो उससे निपटता हूँ। सुना है कि वो ZPTC का मेंबर हमारे खिलाफ अनाप शनाप बक रहा है, अपने पेड़ों के बीच खसीट कर लाना उसे। हाँ बोलिए भैया। हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमारी वजह से जिले में बहुत सारी दिक्कतें आ गई, जिससे हाई कमांड भी मुझसे नाराज है, अगर ऐसा ही चलता तो अमेरिका से छिन जाएगी।